खत्म थी के कुछ समस्या थी अपना गांव में समस्या सारे अनपढ़ है। अच्छा ये तो मैं पकड़ रखूंगा YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जयवीर ढोला की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल भोंगरा गांव में मौजूद हां, आप सभी को पता है कि भाई विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं दिलबाग संडील जी हमारे साथ जुड़े हैं और चुनावी सियासत है वो शुरू हो चुकी है, तो इनसे बातचीत करेंगे भाई कैसा प्यार लोगों को मिल रहा है और क्या कुछ ये जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले राम राम जी। जी राम राम भाई जी। भाई जी आज यहाँ पर आप पहुंचे हो, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? प्यार तो आप देखने लग रहे हो और जो ये प्यार है ना इसको तो जितने भी शब्द मैं कहूँ वही थोड़े हैं। इतनी खुशी और इतना मजा आ रहा है तो जी सा आ रहा है बात यह है और ये इसी प्रकार बनता रहो और आगे से आगे ये कारवा जी जी ये परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है दिन बर 10 इनविटेशन है। अच्छा जी। तो 10 की बजाय बीच में आज के 19 इनविटेशन थे, आज 19 से बचाए बल्कि 3 और उसमें ऐड करने पड़े बीच में। अच्छा जी। तो मैं तो ये कहूंगा इससे बड़ी और मेरे लिए कोई गर्व की और कोई खुशी की बात नहीं। अच्छा वैसे मोटी मोटी जी मुख्य मुख्य क्या कुछ समस्याएं लोग बता रहे हैं, शिक्षा बेरोजगारी स्वास्थ्य क्या कुछ समस्या निकल के सामने? सबसे पहला तो समस्या है देखिए बेरोजगारी की तो है जी जी। रोजगार तो यहाँ नाम की है नहीं चीज नहीं है। आज सारे बच्चे यहाँ भी अभी मैंने 3-4 बच्चे तो आप पूछो सारे बेरोजगार है, मैं तो ये कहूँगा छोड़ गया। तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में। जो हमारे पहले के स्थानीय नेता रहे जी जी ये मैं लिखूंगा उन्होंने उनकी देन है को रोजगार के यहाँ साधन उपलब्ध नहीं करवाए। और दूसरी समस्या है पीने के पानी की जी जी। पीने के पानी ये हमारी मातृशक्ति है। अब इनसे किसी गांव में पूछो अभी रास्ते में आ रहे थे और वो सप्लाई का शायद पानी आया हुआ था, बड़ौदा गांव की बात है जी जी। मैंने उससे निवेदन किया हाथ जोड़ के नमस्ते किए और उसका इशारा एक ही था बोले पानी का इंतजाम कर दो। अच्छा जी। बहुत भयंकर समस्या है हमारे इलाके में और ये क्यों नहीं सोल्व हुई इसके पीछे हाथ हमारे जो 52 साल की राजनीति की सलके में करते आए जी जी। उन नेताओं का हाथ है इसमें, उन्होंने क्यों नहीं की उसके पीछे आप उनसे कभी न कभी आप सवाल करिए पूछिए इसका समस्या का कारण क्यों, मतलब इतनी गंभीर समस्या आपने पैदा की बाद लोग पानी पीने के लिए त्रस्त हैं जी जी। वैसे उचियाणा के साथ लगातार मतलब एक अन्याय होता आ रहा है क्योंकि जो भी नेता बनता तो यहाँ से एक होल्ड सीट है और अभी भी और जो 90 सीट रहेगी उन पर कोई अभी ऐसा उम्मीदवार घोषित नहीं है, कोई नहीं है लेकिन यहाँ पे काफी अभी से शुरू हो चुके हैं। नहीं कांग्रेस पार्टी का जनाधार है जी, आज जी। वो बढ़ता जा रहा है दिन बर और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार की लिस्ट है जी तो वो हर एक प्रत्येक 90 के 90 हल्के में आज मैं कहूँगा कहीं 10 और कहीं 20 की लिस्ट आज तैयार है। क्योंकि जिस पार्टी का जनाधार बढ़ता हो जी जिसकी आने वाली सरकार हो उसके उम्मीदवार वो संख्या बढ़ती है। आज बीजेपी के कोई टिकटार्थी नहीं लेने वाले नहीं है जी जी। आज जेजेपी की और इनेलो का तो इनका तो मेरे से सुपड़ा साफ ही हो गया, इनका तो कोई दुकानदारी रही है नहीं जी जी। बाकी और किसी पार्टी में भी खुल के हुई और बाकी किसी पार्टी की भी आज मेरे को लगता कि आज तो सब है तो वो कांग्रेस है, लोगों के दिल में कांग्रेस है। और ये आपको जनाधार देखने को दिन बर देख रहा है। जो पिछले लोकसभा में देखा उचियाणा वासियों ने 37,500 की लीड देकर यहाँ एक साबित कर दिया वह उचियाणा नंबर 1 पे है। बिल्कुल मातृशक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं भाई। राम राम ताई। के कुछ समस्या थी अपना गांव में? समस्या सारे अनपढ़ है। अच्छा ये तो मैं पकड़ रखूंगा। अच्छा के समस्या आपके गांव में क्या दिक्कत है ये तो मैं पकड़ रखूंगा। बताओ क्या समस्या? का नहीं यहाँ कमारा का जमीन छूट गई। अच्छा और मारा प्लाट है उत्ते वहाँ नू डारे है वहाँ डारे नू के नू पड़े हैं को समय समाधान है। और क्या है स्कूल स्काल शिक्षा स्कूल तो कुछ नहीं स्कूल स्कूल स्काल बस यह समस्या है सरकारी ना है नहीं आ रहा सरकारी बैंक बैंक भी नहीं है हमारा। ये देख स्कोप है समस्या इतनी है कि बता भी नहीं पा रही है। जो सही वह नहीं बालकों दो है बच्चे ना उठा कर दे देना पड़ा मम्मी आराम नहीं को मौका दोगे कि नहीं गांधी है और मैं खटा रहा कि अरे यू उसका खटा रहा कि हमें पढ़ा हमने बच्चा हमने सरकारी भी नहीं है भाई हो गया। चलो भाई देख सकते हो इनकी समस्या बहुत सारी बता रहे हैं, आने वाले समय में समस्या सारी मिट जाएंगी आपकी। कुछ नहीं हमने अच्छा जी कुमार कोई वहाँ नहीं सुविधा सबका रोटी लग गई नहीं मारा तो
अभी नहीं गाऊंगे। और जो भोंगरा गाँव के वासी हमारे राम राम तब जी। और ठीक ठाक हो जी? बढ़िया। अच्छा कैसा माहौल देखने को मिल रहा जी, क्या कुछ समस्या बताई आज दिलबाग जी पहुंचे? बस समस्या तो ऐसे ही तो चल ही रही है काफी दिनों से। अच्छा जी, तो यही सोच रहे हैं कुछ बदलाव आए, ऐसा नेता मिले उचाणा को तो 10 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के बुढ़े के कोई नेता आया है। अच्छा। आने वाले पहले तो बहुत आए हैं, लेकिन एक नई छाप छोड़ने के लिए ऐसा नेता चाहिए कि हाँ मैं नेता हूँ, मना हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। जो दादा लाई है वो टाणे है, मतलब दादा लाई की बात नहीं है, जो काम करके देखा सब पब्लिक को पता चलेगा हमें काम हुआ है, उन्हें ये नेता बनेगा। वैसे बीजेपी बोलती है कि मैंने मतलब उन्होंने काम किया है, बच्चों को रोजगार भी दिया है, बिना खर्ची पर्ची बात बोल रहे हैं। नहीं, बिना खर्ची पर्ची दिया है लेकिन कम रोजगार मिला तो है, बिना खर्चे के मिला है लेकिन कम मिला है, पूरे बच्चे का नहीं हुआ। चलो पूरी वीडियो आपने देख ली और भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो जो है भोंगरा गाँव से आप लाइव देख रहे थे, जितना उसके इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं भाई।